स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज मैं आपके लाई हूँ हमारा एक और एक्साइटिंग वीडियो। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हमारे टॉप 5 फोन जिनको आप ले सकते हैं 30,000 रुपए के बजट में, मतलब 20,000 से 30,000 रुपए के बजट में इस महीने। इस लिस्ट में हमारे पास काफी सारे एक्साइटिंग फोन आते हैं और उसमें आ जाता है कंफ्यूजन कि किस फोन के लिए जाना चाहिए या किसके लिए नहीं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए सारे फोन को टेस्ट करके लाई हूँ वीडियोस और मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए कौन सा फोन रहेगा बढ़िया। मतलब बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है एक सिक्योर्ड फोन, कईयों को चाहिए होता है कैमरे वाला फोन, कईयों को चाहिए होता है सेल्फी कैमरे वाला फोन, कईयों को कंटेंट देखना है, कईयों को उसमें गेमिंग करनी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए कौन सा फोन रहेगा बढ़िया। साथ ही इन सभी डिवाइसेस का मैंने डिटेल में रिव्यू किया हुआ है सारी टेस्टिंग के साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। तो फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करे और सबसे पहले बात करते हैं हम पांचवी पोजीशन पे। पांचवी पोजीशन पर आता है हमारे पास बेस्ट सेल्फी कैमरा डिवाइस इस बजट का, जो कि है हमारा वीवो की तरफ से वीवो V23। सबसे पहले तो इस डिवाइस के सेल्फी कैमरा पे ही नजर डालते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाता है 50+8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत ही प्यारी सेल्फीज मिल जाती हैं। वाइड एंगल के अंदर जो आप सेल्फी लेंगे उसमें आपको डिटेलिंग अच्छी मिलती है, कलर्स अच्छे मिलते हैं, स्किन टोन को अच्छे से मेंटेन कर रहा है। मतलब आपकी बहुत ही बढ़िया सेल्फीज आएंगी इस बजट में इस डिवाइस के कैमरा में। और इसके साथ आपको जो बैक कैमरा मिलता है, मतलब आप इसको एवरेज कह सकते हैं, यहाँ पे है हमारे पास 64+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें आपको 8 का अल्ट्रावाइड मिलता है, 2 का यूज कैमरा। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, इस डिवाइस के अंदर आपको सेल्फी कैमरा तो बहुत ही बढ़िया मिलता है, बैक कैमरा एवरेज है। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि इससे व्लॉगिंग करेंगे या फ्रंट से वीडियो के लिए उनको यूज करना है, तो मैं आपको बता दूं उसका फायदा नहीं है, क्योंकि सेल्फी वीडियोस के लिए आपको यहाँ पे कोई स्टेबलाइजेशन नहीं देखने को मिलता, तो वो आपको इतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी नहीं दे पाता। तो यहाँ पे सेल्फी पिक्स के लिए अगर आपको जाना है तो ये डिवाइस है आपका, अगर आपको सेल्फी वीडियोस अच्छी चाहिए तो ये डिवाइस नहीं है। और इसके अलावा डिवाइस के अंदर जो आपको परफॉर्मेंस मिलती है वो भी हमारी ऐसी कोई बहुत तगड़ी वाली नहीं है। अंडर पावर प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिल जाता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 920। इसके अलावा आपको जो रिफ्रेश रेट मिलता है डिस्प्ले में वो भी हमारा सिर्फ 90 हर्ट्ज का ही है। वैसे आपको यहाँ पे 6.44 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ, जिसमें आपको बढ़िया ब्राइटनेस, बढ़िया कलर्स मिलेंगे। मतलब कंटेंट देखने में तो आपको यहाँ पे ठीक लगेगा, लेकिन कार रेसिंग वाली गेम करनी हो या स्क्रॉलिंग करनी हो फास्ट, तो उसमें आपको डिवाइस इतना कोई खास स्मूथ नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको मिलता है डिवाइस के अंदर सिंगल स्पीकर, और देखा जाए तो ऑडियो एक्सपीरियंस भी आपको उतना बढ़िया वाला डिवाइस के अंदर नहीं मिलता। साथ ही 4200 mAh की हमें मिलती है बैटरी और 44W की आपको मिलती है फास्ट चार्जिंग। यहाँ पे डिवाइस के अंदर बैटरी हमारी कम है, लेकिन बैटरी बैकअप हमारा काफी अच्छे वाला यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो आप अगर मतलब इसमें कई सारे वीडियोस भी देखते हो या कैमरा भी अच्छे से यूज करते हो, तो भी ये डिवाइस आपका एकदम निकाल देता है। गेमिंग वेमिंग के लिए तो ये फोन हमारा है नहीं ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए। इसके अलावा इस डिवाइस के अंदर ग्लास बॉडी मिलती है और कलर चेंजिंग इफेक्ट मिलता है। वैसे बताऊं कलर चेंज अगर ना हो ना, मतलब धूप में जाके ब्लू हो जाता है ये, बट उसके अलावा वैसे गोल्डन कलर जो यहाँ पे आ रहा है ये बहुत ही अलग सा लगता है और बहुत ही प्रीमियम लगता है डिवाइस, क्योंकि ग्लास बॉडी के साथ आपको यहाँ मिलता है। बॉक्सी डिजाइन के अंदर स्टाइलिश लगता है डिवाइस हाथ में होल्ड करने में। साथ ही डिवाइस के अंदर आपको 5G सपोर्ट मिल जाता है मल्टीपल बैंड्स में। अब अगर मैं बात करूं डिवाइस के प्राइस के बारे में, तो ये डिवाइस आपको 27,000 रुपए के प्राइस में मिल जाता है। तो जिन लोगों को सेल्फी की क्लिक करने के लिए फोन चाहिए वो इस फोन के लिए जा सकते हैं। बाकियों को बताती हूं आगे और क्या क्या आता है। इसके साथ आगे बात कर लेते हैं नंबर 4th पोजीशन पे। नंबर 4th पोजीशन पर आता है हमारे पास इस बजट का सबसे सिक्योर्ड डिवाइस, जिसमें आपको IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी मिलती है। कई लोग समझ गए होंगे कौन से फोन की मैं बात कर रही हूं। डिवाइस है हमारा सैमसंग का A52s। इस डिवाइस के अंदर आपको IP67 रेटिंग मिलती है, जो कि मुझे लगता है हर फोन में मिलनी ही चाहिए यार। 30,000 के बजट की हम बात कर रहे हैं, अगर हल्का फुल्का पानी गिर जाए डिवाइस पे या हल्की सी बारिश में कभी निकालना हो तो बंदे को टेंशन तो ना हो, तो यहाँ पे आपको ये चीज मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो हमारी अच्छी नहीं है, प्लास्टिक बॉडी आपको मिलती है यहाँ पे डिवाइस में, और वो भी ना एक्चुअल में अच्छा क्वालिटी का आपको प्लास्टिक देखने में नहीं लगता, तो ऐसे कोई प्रीमियम नहीं लगेगा डिवाइस को, जैसे स्टाइलिश नहीं लगेगा। इसके साथ इस डिवाइस के साथ आपको कोई बैक केस नहीं मिलता, स्क्रीन गार्ड नहीं मिलता बॉक्स के अंदर, और चार्जर भी सिर्फ 15W का मिलता है। तो ये देखा जाए बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के हिसाब से तो डिवाइस इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके अलावा डिवाइस के अंदर आपको यहाँ पे जो नॉक्स सिक्योरिटी मिलती है वो हमारी बढ़िया है, आपको डाटा सिक्योरिटी मिल गई। और उसके साथ डिवाइस के अंदर आपको यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर मिलता है, जो कि गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, ऐसे गेमिंग वेमिंग करनी हो अगर आपको या कोई हैवी टास्क करना हो, लेकिन नॉर्मल काम करने में आपको यहां पे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। इसके साथ डिवाइस का जो डिस्प्ले है हमारा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिल जाता है एमोलेड डिस्प्ले।
जिसमें आपको 6.5 इंच का यहाँ पे साइज मिलता है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन मिलती है। डिस्प्ले के अंदर कंटेंट को आप काफी अच्छे से एंजॉय करोगे, आपको सनलाइट परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है, कलर्स भी बढ़िया आ रहे हैं, साथ ही एंटरटेनमेंट के लिए आपको यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं, तो आप बढ़िया तरीके से म्यूजिक को भी एंजॉय करोगे। इसके साथ डिवाइस के अंदर जो बैटरी है वो हमारी 4500 mAh की है, तो ऑलमोस्ट एक ही दिन निकाल पाती है। ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा बैटरी को मिलेगा, मतलब मेरी यूजेज में तो ऑलमोस्ट एक दिन ही निकाल पाई थी। अब चार्जिंग स्लो है वो तो आपको पता ही है, सैमसंग की चार्जिंग तो स्लो ही है। बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ 15 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, अब आपको 25 वॉट का वैसे आपको सपोर्ट मिल जाता है तो आपको वो अलग से खरीदना पड़ेगा। इसके साथ डिवाइस के जो हमारे कैमरा है वो भी काफी सही है, यहाँ पे आपको 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें आपको 12 का अल्ट्रा वाइड मिलता है, 5 का मैक्रो, 5 का डेप्थ और 32 MP का सेल्फी कैमरा। कैमरा के अंदर आपको ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा मिलता है, कलर्स हमारे नेचुरल के साइड में आते हैं, अल्ट्रा वाइड के अंदर आपको यहाँ पे डिटेलिंग अच्छी देखने को मिल जाती है, कलर देखने को नहीं मिलता। सेल्फी कैमरा में भी आप वाइड एंगल सेल्फीज ले सकते हैं, बुके मोड में एचडी डिटेक्शन हमारा अच्छा निकल के आ रहा है, मतलब एक्चुअल में कैमरा वैसे डिवाइस आपको ये अच्छा लगेगा, और जर्नल यूज करने के लिए आप इस फोन को ले सकते हैं। ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए नहीं है ये फोन हमारा, ज्यादा ऐसे प्रीमियम नहीं है देखने में, स्टाइलिश नहीं है देखने में, लेकिन बाकी चीजों में सही है। तो ये जो हमारे डिवाइस है, जिन लोगों को सैमसंग का ही फोन लेना है वो जा सकते हैं इसके लिए, 28,000 रुपए की प्राइस में ये डिवाइस आपको मिल जाता है। और कई सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि A52s के लिए जाएं या A53 के लिए जाएं, तो उन दोनों में से A52s जो है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस डिवाइसेस की तरफ, और आता है हमारे पास नंबर 3rd पोजीशन पे पोको की तरफ से पोको F4। इस डिवाइस के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 870 का प्रोसेसर मिल जाता है, जिसमें आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, मतलब गेमिंग करनी हो आपको तो यहाँ पे आप हाई सेटिंग्स पे गेम्स खेल सकते हैं, हैवी टास्क कर सकते हैं। आपको डिवाइस के साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो स्मूथ लगेगा डिवाइस आपको यूज करने में। साथ ही E4 AMOLED डिस्प्ले है हमारा फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन में, जिसमें आपको 6.67 इंच का मिलता है साइज, और डुअल स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, तो कंटेंट को आप यहाँ पे काफी अच्छे से एंजॉय कर लोगे। 4500 mAh की आपको बैटरी मिलती है, 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, बैटरी बैकअप भी आपको काफी अच्छा मिलता है, चार्जिंग भी हमारी काफी फास्ट मिल जाती है। तो डिवाइस के अंदर आपको मतलब यहाँ पे कंटेंट देखना हो तो उसमें बढ़िया लगेगा, आपको गेमिंग करनी हो तो उसमें बढ़िया लगेगा, लेकिन डिवाइस के अंदर जो आपको यहाँ पे कैमरास मिलते हैं वो हमारे हालांकि इतने अच्छे नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको मिल जाता है 64 MP का मेन कैमरा बैक में, उसके साथ 8 का अल्ट्रावाइड, 2 का है हमारा मैक्रो और 20 का है हमारा सेल्फी कैमरा। इसके कैमरा में आपको मिलती है इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, मतलब अगर आपके पीछे सनलाइट आ रही हो तो फेस को कई बार ये डार्क कर देता है, कई बार लाइट कर देता है, तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको कैमरा में नहीं मिलती। इसके साथ डिवाइस के अंदर आपको ग्लास बॉडी मिल जाती है, जिसमें बहुत ही प्रीमियम लगता है डिवाइस हमारा हाथ में होल्ड करने में, आपको ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं कि उसमें भी हम इसकी लुक काफी अच्छी आ रही है, लेकिन बाकी कलर्स के अंदर क्या है कैमरा मॉड्यूल हमारा और हाईलाइटेड सा नजर आता है, तो स्टाइलिश भी लगता है हाथ में होल्ड करने में। इसके अलावा आपको यहाँ पे डिवाइस के साथ IR ब्लास्टर भी मिल जाता है, 5G सपोर्ट भी मिल जाता है, लेकिन इस डिवाइस के अंदर एक जरूरी बात का बिल्कुल ध्यान रखें, इसका जो हमारा प्राइस है वो है 28,000 में अगर ये फोन आपको मिलता है तो उसको छोड़ दो, मत खरीदो। अगर ये डिवाइस आपको ऑफर्स लगाने के बाद मिलता है 23,000-24,000 रुपए के प्राइस में, तो इस डिवाइस को आप खरीदना, वरना ये डिवाइस आपके लिए वर्थ नहीं है। और कई लोगों को क्वेश्चन आता है कि इस प्राइस रेंज पे हमारे पास रेडमी का K50i भी आ जाता है, तो उसको ले या इसको ले, तो प्लीज उसको मत लो, ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा 23,000-24,000 रुपए के प्राइस में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस डिवाइस की और सारी डिवाइसेस की मैंने सारी टेस्टिंग करने के बाद आपको रिव्यू भी दिया है, जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो उनको भी आप जरूर देखें। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम नंबर 2nd पोजीशन पे। नंबर 2nd पोजीशन पर आता है हमारे पास इस बजट का बेस्ट कैमरा डिवाइस, मतलब जिसमें आपको कैमरा जो है बहुत ही कमाल का मिल जाता है, और डिवाइस है हमारा कई लोगों का फेवरेट OnePlus की तरफ से Nord 2T। सबसे पहले कैमरा की ही बात करेंगे, जैसे कि कैमरा हमारा सबसे स्पेशल पार्ट है इस डिवाइस का, तो यहाँ पे आपको मिलता है 50 MP का मेन कैमरा बैक में, जिसमें आपको IMX766 का सेंसर मिलता है, OIS का सपोर्ट मिलता है, 8 का अल्ट्रा वाइड मिलता है, 2 का हमारा यूजलेस कैमरा है, 32 का हमें मिलता है सेल्फी कैमरा। बैक कैमरा तो हमारा बहुत ही कमाल का है, OIS का सपोर्ट भी हमारा जो एक्चुअल वाला होता है वो यहाँ पे आपको मिलता है बिना क्रॉपिंग वाला, आपको बढ़िया वीडियो मिल जाता है। ये थे अल्ट्रा वाइड के अंदर आपको जो इमेजेस मिलती है वो हमारी सॉफ्ट है। सेल्फी कैमरा के अंदर क्या है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब अगर आपके पीछे धूप आएगी तो वहां कहीं पे ये ब्लोन कर देता है सनलाइट अगर आए, लेकिन उसके अलावा सेल्फी कैमरा के पिक्स भी हमारे यहाँ पे काफी अच्छी आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस्ट कैमरा डिवाइस जिनको चाहिए तो उनके लिए Nord 2T हमारी बन जाता है सबसे जबरदस्त ऑप्शन। अब ये जो हमारा डिवाइस है ना, ये भी यही है कि सिर्फ कैमरा आपको यहाँ पे बढ़िया मिल रहा है, लेकिन बाकी चीजों की बात करूं तो आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे डिवाइस के अंदर ज्यादा नहीं देखने को मिलती। मतलब यहाँ पे हमारे पास MediaTek का Dimensity 1300 प्रोसेसर मिलता है, जिसमें थ्रॉटलिंग
टेस्टिंग मैंने देखी अपनी टेस्टिंग में काफी ज्यादा, और उसके साथ थोड़ी हमारा डिवाइस जो है हैवी टास्क करने में हीटअप भी हो जाता है। इसके अलावा वैसे आपको डिवाइस के अंदर यहाँ पे जो डिस्प्ले मिलता है वो भी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है, और मतलब उतना मजेदार वाला नहीं लगेगा लेकिन नॉर्मली यूज करने में आप मतलब यूज कर सकते हो। और वैसे देखा जाए तो 6.44 इंच का हमारा एमोलेड डिस्प्ले है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ। यहाँ पे डुअल स्पीकर्स भी आपको मिल जाते हैं, और डिवाइस के अंदर आपको यहाँ पे प्रीमियम ग्लास बॉडी मिलती है जिसके अंदर आपको स्टाइल भी यहाँ पे काफी अच्छे वाला देखने को मिल जाता है। वैसे तो डुअल कैमरा सेटअप है लेकिन यहाँ पे बैक में दो बड़े बड़े हमारे कैमरा लेंस जैसी लुक दी हुई है, और एक हाथ से आप डिवाइस को इजिली होल्ड करके यूज कर सकते हो, हाथ में आपके पूरी तरह आ जाएगा, एक परफेक्ट साइज में आपको मिल जाता है डिवाइस, 5G सपोर्ट भी मिल जाता है आपको डिवाइस के अंदर, और अलर्ट स्लाइडर भी मिल जाता है जो कि हटता जा रहा है फोन्स में से लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो जिन लोगों को कैमरे वाला फोन चाहिए तो उनके लिए आता है हमारा बेस्ट फोन जो कि है OnePlus Nord 2T, जो कि आप ले सकते हैं 28,000 रुपए की प्राइस में। अब आगे बढ़ते हैं नंबर फर्स्ट पोजीशन पे। नंबर फर्स्ट पोजीशन पर आता है हमारे पास इस बजट का ओवरऑल एक बैलेंस डिवाइस जो कि है हमारा आईको की तरफ से नियो 6। सबसे पहले इस डिवाइस के अंदर आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है वो है हमारे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870। ये प्रोसेसर जैसे कि हमारा पोको में भी आता है, इस प्रोसेसर के अंदर आपको यहाँ पे हीटिंग थ्रॉटलिंग देखने को नहीं मिलती है, परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट मिल जाती है। गेमिंग करनी हो तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हाई सेटिंग्स पे आराम से खेल सकते हो। साथ ही डिवाइस के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आता है तो डिवाइस आपको स्मूथ लगेगा, यहाँ पे बढ़िया लगेगा। साथ ही E4 एमोलेड डिस्प्ले है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ 6.62 इंच का, जिसके अंदर आपको कलर्स बढ़िया मिलते हैं, वाइब्रेंट स्क्रीन मिलती है, सनलाइट परफॉर्मेंस भी हमारे डिवाइस की अच्छी निकल के आती है, और साथ ही डिवाइस के अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं जिसमें आपको बढ़िया ऑडियो आउटपुट मिल जाता है। 4700 mAh की बैटरी है, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, डिवाइस काफी फास्टली हमारा चार्ज हो जाता है, और यहाँ पे बैटरी बैकअप भी आपको एक दिन का यहाँ पे आराम से मिल जाता है। कैमरास की बात करें तो वो आपको यहाँ पे एवरेज लगेंगे। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है GW1 सेंसर के साथ, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का हमारा मैक्रो, और उसके साथ 16 का सेल्फी कैमरा। एवरेज कह सकते हैं आप इनके कैमरास को, ऐसे बहुत अलग से बहुत बढ़िया कैमरास नहीं है। बेसिकली इस डिवाइस के अंदर आपको अगर गेमिंग करनी हो या कंटेंट देखना हो एंजॉय करना हो तो उसके लिए ये डिवाइस हमारा काफी बढ़िया ऑप्शन है। हालांकि एक और कमी निकल के आती है डिवाइस में कि यहाँ पे आपको मिलती है प्लास्टिक बॉडी, तो हाथ पे होल्ड करने में आपको यहाँ पे प्रीमियम फील नहीं आएगी। प्लास्टिक बॉडी है, बैक भी, और उसके साथ जो हमारा फ्रेमिंग है वो भी प्लास्टिक की आती है। साथ ही एक और कमी आती है डिवाइस के अंदर कि 5G सपोर्ट आपको यहाँ पे सिर्फ 4 ही बैंड्स में मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो डिवाइस हमारा ये आपको गेमिंग करनी हो या कंटेंट देखना हो तो उसके लिए तो बढ़िया है ही। अब इसके साथ एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि ये जो हमारा डिवाइस है वैसे 30,000 रुपए का है, ऑफर्स में ये डिवाइस आपको 27-28,000 रुपए के प्राइस में मिल जाता है, और इसी बजट के अंदर मतलब 30,000 के अराउंड में ही हमारे पास आईको की तरफ से आईको 9SE भी आता है। मतलब वो आपको ऑफर्स लगाने के बाद 30 में मतलब थोड़ा सा प्लस हो जाएगा और उस प्राइस में वो आपको मिल जाता है, और वो हमारा डिवाइस ज्यादा बेटर है। मतलब उसके अंदर कैमरा वाइज भी अगर मैं बात करूं तो इससे बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलती है, ओवरऑल उससे बेटर हो जाता है, लेकिन वो अंडर 30,000 की लिस्ट है ये हमारी, और वो 30,000 से ऊपर आता है अगर ऑफर्स में भी मैं लगाऊं तो इसीलिए वो हमारी 40,000 की लिस्ट में आएगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप मेरी सारी लिस्टें देखा करो ताकि आप लोग एक बढ़िया डिसीजन ले सकें। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।